मैं अयूब अली अयूबी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त और बहुत ही अच्छे हमारे नेता और एक्टिविस्ट और एक बहुत अच्छे शायर कुमार विश्वास जी, जो कुवैत में हमारे पास आए हुए हैं एक प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए। मैं सिंह मीडिया और आम पिक्चर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और वाकई बड़ी खुशी होती है जब हमारे देश के लोग यहाँ आते हैं और मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुमार जी, मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। वैसे मेरा नाम अयूब अली अयूबी है और हम लोग सिंह मीडिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सिंह मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, तो आज एक छोटी सी मुलाकात हम आपसे करना चाहेंगे। विश्वास जी, आप एक बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे शायर हैं, पोएट हैं। मैंने आपका जो बायोग्राफी देखा उसमें आपने बहुत से अवार्ड भी जीते हुए हैं, बहुत सी जगह पर गए हुए हैं, तो आप में ये कवि और शायर बनने का एक शौक या शौक कहाँ से आया? मेरे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर थे और मैं जिस कस्बे में था वहाँ कविता का शायरी का माहौल भी था। घर में उनके हिंदी के ही प्रोफेसर थे तो उनके पास शायर कवि लोग आते थे, मिलते थे जी। लेकिन उस वक्त में 80-90 के डिकेड में माँ बाप ये चाहते थे कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन फिर मैंने ज़िद की और मैं इंजीनियरिंग की तरफ से वापस आके मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इसमें किया। अच्छा। और ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी दी कि आज नई जनरेशन्स तक, नई पीढ़ी तक हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू ज़बान ये भाषा ये पहुंच पाई है और हिंदी का कुनबा, हमारी ज़बानों का कुनबा पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, बढ़ तक पहुँच रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत देखा, दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप शायर के साथ साथ आप में बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं, जैसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं एजुकेशन और उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने ये कहाँ से मतलब ये किया। हिंदुस्तान एक ऐसा माशरा है, एक ऐसी ज़मीन है जहाँ धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, कला के माध्यम से लोग बाग समूहों को प्रभावित करते रहे हैं। दुनिया में ऐसा कम संस्कृतियों में होता है। जैसे आप कई सिविलाइजेशंस में जाइए, वहाँ आपको पूरी सिविलाइजेशन में 10 नाम, 20 नाम, 30 नाम मिलेंगे जिन्होंने सोसाइटीज़ को प्रभावित किया। लेकिन हिंदुस्तान में आप जाइए तो आपको हिंदुस्तान में हर 10 गांवों में, 100 गांवों में, 20 गांवों में, 50 शहरों में कल्चर के, आपके भाषा के, शायरी के ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए, लोगों को मोटिवेट किया। तो चाहे छोटे से कद के सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारते हैं एक 6 फुट लंबे बॉलर पर, तो बेसिकली वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो आत्मबल है उसको बढ़ाते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम पूरी दुनिया भर की दादागिरी को ताक पे रख के हिंदुस्तान की अपनी भारतीय मिसाइल तैयार करते हैं अपनी धुन में मगन रहकर, तो कम बोलने वाले और हिंदी भी उन पर ठीक से जैसी बोल पाते थे, मीठे से आदमी थे लेकिन कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन के आदमी नहीं थे, फिर भी लोगों से प्यार करने लगते हैं कि यार वो बहुत बड़े आइडिया हमारे बन गए। सो मैंने भी कोशिश की कि मेरे पास जो कुछ भी कहने का हुनर है, बात कहने का जो हुनर, जो ऊपर वाले की कृपा से, मेरे गुरुओं से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे स्वयं के थोड़े से प्रयास से आया है जी, मैं इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे लड़के लड़कियां, साथी जो नहीं समझ पा रहे हैं, उलझ गए हैं, उनको सुलझाने में लगाऊं। तो मैंने अपने परफॉर्मेंस में एक 25% का हिस्सा इस काम के लिए रखा है कि मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का, अच्छा हिंदुस्तानी बनने का। अगर वो हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू, अगर मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान। क्योंकि जब भी कोई कहता है मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो मैं कहता हूँ ये मूर्ख है। अगर ये सचमुच में हिंदू या सचमुच में मुसलमान है तो कट्टर तो हो ही नहीं सकता। अगर वो सचमुच में सिख है, गुरु का बंदा है,
तो धर्म तो सिख धर्म तो कट्टरता सिखाता नहीं, बिल्कुल। इस्लाम तो जो जो हुजूर ने बोला था वो तो कट्टरता नहीं सिखाता जी, बिल्कुल। मेरे यहाँ जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित धर्म ग्रंथ हैं और पुराने जो इतने गीता जैसे आप्त वाक्य हैं उनमें कहीं कट्टरता नहीं है। ये तो नीचे जो व्याख्याकार आए बाद में जिन्होंने इनको एक्सप्लेन किया, जिनकी दुकानें थी धर्म की, उन्होंने कहा कि कट्टर हो जाओ। सो मैं उसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि आर्टिस्ट को ऐसे अफेयर्स में नहीं पढ़ना चाहिए जो लूट रही हैं सरकारें, लूटने दो, जो गुंडागर्दी चल रही चलने दो, चुप रहो। लेकिन मैंने इसके बरक्स खिलाफ जाके मैंने अपनी बात जब जब मुझे ख़राब लगी, किसी ने कुछ ख़राब कहा है, ख़राब किया है, देश के लिए ख़राब किया है, तो मैं बोला अच्छा किया था, तारीफ़ की। लेकिन इसे जनता ने बहुत स्वीकार किया, लोगों का बहुत प्यार मिला। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ हम एक जब एक अच्छे मतलब एक पोएट जब ये करता है और मोटिवेशनल स्पीकर बनता है और उसके बाद जब ये चीज़ें आती है उसमें कि वो पूरी तरह से मतलब लोगों को एक इंसानियत की तरफ, जिसको कहेंगे कि हम लोग, उसको दावत देता है और इंसानियत के नाते सबको वो पैगाम पहुंचाता है। मैं और एक चीज़ आपकी ये करना चाहूँगा कि आपको, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी है और आपकी एक जो पार्टी है आप पार्टी, उसके आप बहुत मतलब अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही करीबी दोस्तों में से आप हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिक्स में आने का इरादा कैसे कर लिया? हमारा कोई इरादा था नहीं और अभी भी नहीं है जी। हम लोग आंदोलन के लिए आए थे, हम एंटी करप्शन मूवमेंट में सब लोग आए थे जी, बिल्कुल। उसके बाद हमने सरकारों से कहा कि वो एंटी करप्शन कानून बना दें, उन्होंने कानून बनाया नहीं। उन्होंने हमको चैलेंज किया कि जाओ भैया, कानून तो असेंबली में बनता है, लोकसभा में बनता है, जाओ चुनाव लड़ो, जीत लो, आ जाओ जी। तो उसके लिए पार्टी बनानी पड़ती है, उसका नियम है। तो उसके लिए हमने एक पार्टी फॉर्म की, फिर एक इलेक्शन लड़ा, उसमें हमारा पूरा बहुमत नहीं आया, सरकार वो हमारी गिर गई, हमने छोड़ दी। उसके बाद दूसरी बार हम दोबारा लड़े, उसमें हम जीते, लोकसभा हम लड़े, हम हारे, सभी लोग हारे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, चार केवल हमको पंजाब से सीट मिली। अब पंजाब में हम पोजीशन में हैं, मेन अपोजिशन में हैं, अभी यहाँ हम दिल्ली में सरकार में हैं। हम यहाँ केवल इसलिए हैं कि पॉलिटिकल क्लैंस और पॉलिटिकल ख़ानदान और पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल, हम टिपिकल पॉलिटिक्स के लिए नहीं हैं, विपक्ष की राजनीति के नहीं है, विकल्प की राजनीति के लिए हैं जी। वी आर नॉट फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स, वी आर फॉर ऑप्शनल पॉलिटिक्स। सो हम जो हैं वो एक तरह से फोर्स्ड पॉलिटिशियंस हैं, जिनको उस जमात ने, पॉलिटिशियंस की जमात ने अपना काम ना पूरा करके हमको कहा है। तो मुझे जैसा आदमी उम्मीद करता है कि जब जब पॉलिटिक्स गलती करेगी, चाहे मेरी पार्टी की करे चाहे दूसरी पार्टियों की करे, हम उसे बोल के सचेत करते रहेंगे और उसे गलती नहीं करने देंगे, कोशिश करेंगे गलती ना करें। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमें मौका दिया है हमारे अशफाक साहब ICS, जिन्होंने हमारे कुमार साहब को यहाँ पर बुलाया है, और अशफाक साहब तो एक बड़ी हस्ती हैं कुवैत में, एक लीजेंड है, जो शोज़ के बारे में उन्होंने बहुत से अच्छे शोज़ किए यहाँ पर, मोर देन 50 बड़े ग्रैंड शोज़ किए हैं। आप ICS के बारे में, अशफाक भाई के बारे में भी कुछ हमें बात बताएं। 4-5 साल पुरानी वाकफियत है, लेकिन उर्दू मुशायरे के, हिंदी के जितने लोग हैं वो सब उनको जानते हैं, सब उनकी तारीफ लगातार करते रहे हैं। और एक दूसरी मिट्टी पर, ज़मीन पर आकर अपनी मिट्टी की महक, चाहे वो मौसीकी की हो, चाहे वो लफ्ज़ों की हो, शायरी की, अदब की, उसे ज़िंदा रखना, अलग अलग फॉर्म के प्रोग्राम कराना बहुत बड़ा काम है। आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम कराने में कितनी एनर्जी, कितना लगता है। लेकिन मैं देखता हूँ, और मैं इस बार भी उनको देख रहा हूँ, जब वो एक शो करते हैं तो उसे प्रोफेशनल शो की तरह नहीं कर रहे होते, वो एक जिम्मेदारी की तरह कर रहे होंगे। वो अंदर तक खुशबू एकदम उनमें भरी हुई होती है उसकी। तो मेरी सारी नेक दुआएँ उनके लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ एक बीज लगाया है जी, हिंदुस्तानियत का, मोहब्बत का, कला का, इसको सारी जो यहाँ लोग आए हैं दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान से और बाकी मुल्कों से, वो इसे अच्छे से बड़ा करके पेड़ बनाएंगे, और मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा। मैं ऐसी उम्मीद, बिल्कुल। हम नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि कल प्रोग्राम है, और हम सबको इस प्रोग्राम की दावत देंगे जिसमें कुमार विश्वास साहब और अनुराधा पौडवाल जी परफॉर्म करने वाली हैं, और हम फिर उनके और भी कुछ कॉमेडी के भी कुछ आसार देखेंगे, आप और जलवे देखेंगे। मैं अयूब अली अयूबी और कैमरामैन हमारे बिन्नी जी सिंह मीडिया की तरफ से आपको धन्यवाद कहते हैं,